नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में रिक्शा और मैक्सिमा ऑटो के चलते 6 नंबर रेलवे स्टेशन 3 सवारी ऑटो रिक्शा चालक काफी परेशान है। उनका आरोप है कि बड़ी गाड़ी और ई रिक्शा की वजह से उनके रोजगार में कमी आ रही है। मध्य प्रदेश ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष मुनीब खान ने बताया कि यदि 8 दिनों के अंदर ई रिक्शा एवं मैक्सिमा ऑटो पर कार्रवाई नहीं की गई तो लगभग 500 ऑटो चालक इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। आरटीओ महोदय आंखों पे पट्टी बांधकर अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, एक घंटे तक नहीं आते और उनके अधीन जो चाहते हैं वो करते हैं। त्रिपुरा वन में यहाँ पर मैक्सिमा जो आपे की श्रेणी में आता है, अतुल जो आपे की श्रेणी में आता है, आप ये सब आते की श्रेणी में आते हैं 8-9+1 में, जिसमें राज्य शासन के आय की भी नुकसान है, उनके टैक्स में भी नुकसान पहुंच रहा है और एक ही घाट पानी पी रहा है। पहले इनको रोड दिए गए थे, इनको परमिट दिए गए थे, मगर आज वो सब नदारा है, जिसकी जो समझ में आता है बड़ी गाड़ी के नाम से। जब ऑटो आप बताएं ऑटो है क्या, 3+1 में छोटी गाड़ी है, आम गरीब से गरीब आदमी लेके चला जाता है, मगर यहाँ पर बड़ी गाड़ी के नाम से एक लूट की जा रही है और उसके अंदर 12-12, 14-14 सवारियाँ बिठाकर यहाँ से जियो राजा रायसेन हर रोड पे ये गाड़ियाँ चल रही हैं। आरटीओ महोदय क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या एसी में बैठने के नहीं है, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं? चेतावनी देता हूँ कि यहाँ पर जो अभी ई रिक्शा जो चल रहे हैं अभी भी उसके लिए उन्होंने बड़ी ये बैठक बुलाएंगे। ई रिक्शा ये भोपाल का दैनिक भास्कर पेपर कह रहा है 27 अप्रैल का, ये कह रहा है कि ई रिक्शा भोपाल में 2000 चल रहे हैं, जिसमें 100 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन है, 1900 गाड़ियाँ बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रही हैं। तो यातायात के बड़े अधिकारी या आरटीओ के या ट्रांसपोर्ट के बड़े अधिकारी क्या कर रहे हैं? अगर ये यातायात के विषय में राहत नहीं पहुंचा सकते तो यातायात का यहाँ से डिपार्टमेंट ही ख़त्म कर दें, इससे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ही अच्छा काम करेगी और कम से कम भेज तो रहेगा। यहाँ 3+1 की गाड़ी है, 3+1 में ही चलें, इनकी सख्त से सख्त चेकिंग की जाए और जो ऑटो चालकों को बदनाम करने के लिए यहाँ पर स्कूटर चलाना जानते हैं वो ऑटो के उतर जाते हैं और ऑटो चालक बदनाम होते हैं, इसलिए ऑटो चालकों की छवि हमारी सुधरी रहे। और जो बगैर लाइसेंस के यहाँ पर क्रिमिनल लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं राजधानी स्टेशन पे, आए दिन पेपर में आ रहा है, रात में देखो गुंडागर्दी चल रही है, लूट मार चल रही है। भोपाल से केकेआर न्यूज के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहे केकेआर न्यूज के साथ। नमस्कार।